तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक और नए प्रोडक्शन का वीडियो लेकर के। और गाइस यह जो प्रोडक्शन होने वाला वह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो गाइस सुपर 12 का मुकाबला कल जो खेला जाएगा 2 नवंबर को, उसके बीच हम चर्चा करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो जो हुआ काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो है। यदि वीडियो को देख लेते हो तो मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन सा प्लेयर से जो हुआ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, किस किस प्लेयर्स को मेरे और आपके टीम में होना चाहिए ताकि एक प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके ढेर सारा पैसा विनिंग करेंगे। तो गाइस सभी लोग पैसा जीतने आए तो वीडियो को जो हुआ सभी लोग पूरा देखेंगे क्योंकि वीडियो जो हुआ काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो है। यदि वीडियो को देख लेते हो तो मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा कौन कौन सा प्लेयर जो हुआ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। उससे पहले जो भाई मुझे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर फॉलो कर रहा है, भाई पूरा पिछले T20 वर्ल्ड कप में एकाधी ऐसा मैच होगा या 2 मैच शायद फ्लॉप गया, बाकी ढेर सारा पैसा सभी लोगों ने विनिंग किया। यदि गाइस अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जो हुआ ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं जो अपना फाइनल टीम देता हूं वह टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। क्योंकि अभी जो हुआ टॉस नहीं हुआ, टॉस होने के बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ टीम को प्रोवाइड किया जाता है, लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि आप भी चाहते हो बिल्कुल फ्री में टीम लेना और मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है टाइम टू टाइम आपको देते रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और वीडियो शुरू के आपको पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं कौन कौन सा प्लेयर से जो हुआ इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर से चर्चा कर लेते हैं वेन्यू की। तो यह जो मुकाबला खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड में ही यह मुकाबला खेला जाएगा। पिच की चर्चा कर लेते तो इसका पिच जो होने वाला हुआ बैटिंग पिच होने वाला, उसके बाद इस पिच पर जो हुआ गुड फोर फेस यानी गाइस इस पिच पर जो हुआ फास्टर्स बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है। वही एवरेज स्कोर की चर्चा कर लेते तो इस पिच का जो एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा 160 और अधिकतम से अधिकतम हो सकता है तो इस पिच पर जो आपको 180 भी मैच 180 भी प्लस रन आपको देखने को मिल सकता है। डेट जो रहेगा दो नवंबर 2022 को और टाइमिंग जो रहेगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार 1:30 में इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच जो हुआ मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। बाकी गाइस टीम कंपैरिजन की चर्चा कर लेते हैं। जब यहाँ पर से इंडिया और साथ में बांग्लादेश जब एक दूसरे के खिलाफ आपस में खेलता है तो गाइस कौन किसके खिलाफ कितना मैच कितना प्रतिशत मैच को जो हुआ विनिंग करता है, तो इंडिया जो विनिंग करता है बांग्लादेश के खिलाफ वह 60% मैच को विनिंग करता है और वही जो बांग्लादेश जो मैच विनिंग करता है इंडिया के खिलाफ 40% मैच को विनिंग करता है। और गाइस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल और बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ टीम को प्रोवाइड किया जाता है। और उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस यहां पर से हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपके लिए काफी ज्यादा जबरदस्त और इंटरेस्टेड एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस फैन टू प्ले। फैन टू प्ले देख सकते हो यहां पर इनका जो खुद ऐड करते हैं दिग्गज बल्लेबाज क्विंटल डिकॉक ऐड करते हैं। और गाइस यह एप्लीकेशन को अभी तक के आप सभी लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डाउनलोड कर लो। अभी से आप खेलना स्टार्ट कर देते हो तो गाइस आपको 1 नंबर रैंक पर हुआ एक चार चक्का का गाड़ी दिया जाता है। वही 2 नंबर रैंक पर आप देख सकते हो आपको एक जो हुआ TVS का बाइक मिलेगा और 3 नंबर रैंक पर आप एक सैमसंग का जो हुआ मोबाइल विनिंग कर सकते हो। तो गाइस जो यहाँ पर से आप विनिंग का चांसेस जो रहता है वह 4 से लेकर 350 रैंक के बीच में आता है तो आप यह फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर अच्छा खासा विनिंग कर सकते हो क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप में यह एप्लीकेशन जो हुआ धमाल मचा करके रखा, सभी भाइयों ने यहाँ पर से अच्छा खासा पैसा विनिंग किया। अभी तक के आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक जो मिलेगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यह डाउनलोड कर लेना फैन टू प्ले एप्लीकेशन को क्योंकि गाइस मैं भी जो खेलता हूँ यही एप्लीकेशन पर खेलता हूँ और यह एप्लीकेशन का खासियत यह है कि आप छोटा एंट्री फी लगा करके आप ढेर सारा पैसा विनिंग कर सकते हो। इसमें आपको स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो आसानी तरीके से जो हुआ विनिंग रहता है। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग फैन टू प्ले एप्लीकेशन को जो हुआ डाउनलोड कर लेना। तो गाइस सबसे पहले यहां पर से चर्चा करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो आप देख सकते हो आपको जो नजर आता हुआ दिनेश कार्तिक, फिर आपको रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और गाइस आपको यहां पर से आर अश्विन जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी ज्यादा संभावना हुआ इंडिया करेगा। बाकी जो चेंजेस आता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के ज्वाइन हो जाना।
उसके बाद गाइस यहाँ पर से हम चर्चा करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो देख सकते हो आपको एल दास यानी लिटन दास नजर आता हुआ, फिर यहाँ पर से नूरल हसन, उसके बाद आप गाइस देख सकते हो ए हसनैन, फिर आपको सौम्य सरकार, और गाइस यहाँ पर से एन हसनैन संतो आपको नजर आता हुआ, साकिब अल हसन, उसके बाद आपको एम हसनैन नजर आता हुआ, फिर यहाँ पर से देख सकते हो एम हसन मिराज, आपको जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की संभावना उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद टी अहमद, उसके बाद गाइस देख सकते हो आपको यहाँ पर से एम रहमान, फिर यहाँ पर से देख सकते हो आपको जो नजर आता है वो टी महमूद, जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी ज्यादा संभावना है। तो चलिए मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करता हूँ, कौन कौन सा प्लेयर्स जो इंपोर्टेंट पिक होने वाला है, मैं किस किस प्लेयर्स को मैं अपना टीम में जो हुआ सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग जो हुआ पूरा ध्यानपूर्वक देखना। तो सबसे पहले गाइस देख सकते हो दिनेश कार्तिक की करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, 3 मैच में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो देख सकते हो आपको जो नजर आता हुआ 6-1, फिर आपको गाइस 20 राइट हैंड बैटिंग करते वही रोहित शर्मा आपको नजर आता हो। तो रोहित शर्मा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुझे जो सेलेक्ट करने को मिलता है वह विकेट कीपर, तो विकेट कीपर में चर्चा करते तो गाइस आप देख सकते हो लिटन दास नजर आता हुआ। करंट इनके 3 मैच की चर्चा करते 14-34, फिर यहाँ पर से 9 राइट हैंड ये बैटिंग करते विकेट कीपर सेक्शन से आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर से जो नजर आता हुआ नूरल हसन, तो गाइस यहाँ पर से जो बांग्लादेश उतरने वाला है 2 विकेट कीपर के साथ काफी ज्यादा संभावना जो यहाँ पर से उतरने वाला अपने प्लेइंग 11 टीम में इनका 2 विकेट कीपर जो हुआ रहने वाला। तो विकेट कीपर में इधर से देख सकते हो नूरल हसन नजर आता हो, तो 1, 2 और 13। तो सबसे पहले मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडिक्शन है, यहाँ पर से लिटन दास आपके लिए काफी ज्यादा सेफ है। और गाइस आज मुझे लग रहा है यदि सबसे पहले बांग्लादेश बैटिंग करता तो इनके बल्ले से आपको जो 40+ रन देखने को मिलेगा, मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो ओपिनियन है उसके अनुसार से। तो सबसे पहले मैं जो सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर से लिटन दास को सेलेक्ट करूंगा, और यह प्लेयर्स काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। आप इसे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो दोनों में ट्राई कर सकते हो लिटन दास को। तो मेरे टीम में सबसे पहले यहां पर से मैं जो सेलेक्ट करूंगा एल दास यानी लिटन दास को मैं सेलेक्ट कर दिया हूं। और गाइस दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करने का एक ही रीजन है, क्योंकि इनको जो बैटिंग का लाइन दिया जाता है, बैटिंग का जो मौका मिलता वो काफी ज्यादा नीचे बैटिंग करने आते हैं। बाकी मैं एक ही विकेट कीपर लेकर के चला। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से चर्चा करते हैं, तो भारत की बैटिंग सेक्शन में आपको नजर आता होगा गाइस यहाँ पर से रोहित शर्मा, यहाँ पर उसके बाद केएल राहुल। तो रोहित शर्मा की चर्चा करते हैं क्वार्टर 3 मैच की, तो आपको यहाँ पर से जो नजर आता होगा 15-53, फिर गाइस यहाँ पर से जो हुआ 4 रन मारे, यहाँ पर से जो क्वार्टर यहाँ पर से 3 मैच में इनका जो परफॉर्मेंस रहा उनके बीच हम चर्चा करें। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, फिर यहाँ पर से केएल राहुल देख सकते हो। तो गाइस कहीं ना कहीं कह सकते हो केएल राहुल का जो यह पूरा T20 वर्ल्ड कप जो 3 मैच गया काफी ज्यादा खराब गया है, 9, फिर आपको 9, 9, फिर आपको 4 नजर आता हो, लेकिन यह प्लेयर्स आज काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। कैसे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गाइस यदि यहां पर से हम चर्चा करेंगे सबसे पहले केएल राहुल और साथ में यहां पर से खास करके सूर्य कुमार यादव के बीच, तो उसके बाद गाइस देख सकते हो आपको विराट कोहली नजर आता हो। तो विराट कोहली की करंट यहां पर से 3 मैच के इनके बारे में भी चर्चा करते हैं, 12-62, फिर आपको 82 नजर आता हो। तो गाइस यहां पर से जो देख सकते हो 62 रन जो मारे वह नाबाद रन मार करके गए, फिर 82 रन जो मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद रन मार कर गए थे, राइट हैंड ये इनका बैटिंग स्टाइल है। तो सबसे पहले मैं जो भारत की तरफ से सेलेक्ट करने वाला हूं, आज मैं रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चलूंगा। और गाइस आप यह ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो, स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर से सूर्य कुमार यादव को भी ड्रॉप करूंगा। क्यों और किस रीजन से मैं आपको बताता हूं। तो गाइस यदि सबसे पहले इंडिया बैटिंग करता तब मेरे टीम में जो सूर्य कुमार यादव रहेगा, बाकी जो वो चेंजेस आते रहता तो मैं टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको बताऊंगा। यदि इंडिया सबसे पहले बैटिंग करता तब मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, अन्यथा मैं यहां पर से जो वो ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि गाइस यहां पर से हो सकता है सूर्य कुमार यादव की चलने की जो संभावना काफी ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडिक्शन है उसके अनुसार से। तो गाइस मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, एक कंडीशन रहेगा, सबसे पहले यदि भारत बैटिंग करता तब मैं सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, लेकिन काफी ज्यादा चांस जो बनता हुआ भारत ही सबसे पहले बैटिंग करेगा, यानी इंडिया ही सबसे पहले बैटिंग करेगा। तो मेरे टीम में मैं जो सेलेक्ट करने वाला हूं आज यहां पर से केएल राहुल और साथ में सूर्य कुमार यादव, 2 प्लेयर्स के साथ जाने वाला हूं। और गाइस सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हूं इंडिया सबसे पहले बैटिंग करता तब रखूंगा, यदि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके मैं विराट कोहली के साथ चले जाऊंगा, बाकी जो चेंजेस आते रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। तो मैं यहां पर से सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा केएल राहुल हो गया मेरे टीम में, गाइस यहां पर से केएल राहुल को सेलेक्ट कर लिया हूं, विराट कोहली हो गया, विराट कोहली को मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर गाइस विराट कोहली के इनको आगे बताऊंगा टॉस होने के बाद मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट करूंगा। सूर्य कुमार यादव हो गया, गाइस एक कंडीशन रहेगा, सबसे पहले यदि मैंने आपको बोल दिया इंडिया सबसे पहले बैटिंग करता तब मैं यहाँ पर से सूर्य कुमार यादव को लूंगा, नहीं तो मैं विराट कोहली के साथ चले जाऊंगा। बाकी इधर से चर्चा करते हैं, तो इधर से मैं आपको बताना चाहता हूँ नूरल हसन, तो विकेट कीपर में मैं इनको ड्रॉप करके चला हूँ, बाकी आप देख सकते हो ए हसनैन नजर आता हुआ। तो गाइस हसनैन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पिक होने वाला, आप इसे स्मॉल
लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा। तो मैं फिलहाल जो सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर से सौम्य सरकार, आप देख सकते हो नजर आता हो 0-15 फिर 4। और गाइस यहाँ पर से ए हसनैन की चर्चा करते हैं, करंट 3 मैच में तो 29-1 फिर आपको 38 नजर आता होगा। और इनका जो बैटिंग स्टाइल है वो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। तो मेरे टीम में सबसे पहले जो मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा ए हसनैन को यहाँ पर से सिलेक्ट कर दिया हूँ। बाकी आपको जो नजर आता हो सौम्य सरकार 0-15 फिर 14 लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो एन हसनैन आपको नजर आता होगा, हसनैन संतो। तो गाइस इनके करंट 3 मैच की चर्चा करते तो 71 फिर आपको 9 फिर आपको 25। और इनका जो बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। तो मैं इस प्लेयर्स के साथ जाने वाला हूँ। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडिक्शन है उसके अनुसार से यह प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ होने वाला। बाकी आप इसे स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मेरे टीम में यहाँ पर से जो रहने वाला एन हसनैन संतो को मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करूंगा। तो एन हसनैन संतो को मैं यहाँ पर से जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर्स सेक्शन से चर्चा करते हैं। ऑलराउंडर्स सेक्शन में आप देख सकते हो आपको जो दिखाई देता होगा गाइस, देख सकते हो आपको हार्दिक पांड्या था, हार्दिक पांड्या की करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं। तो गाइस देख सकते हो 2 रन मारे, इनके बैटिंग से कैसा परफॉर्मेंस रहा, बॉलिंग से कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके भी चर्चा करते हैं। 2-40 फिर आपको 2 नजर आता होगा, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। और इनका जो बॉलिंग स्टाइल है वो राइट आर्म मीडियम फास्ट या बॉलिंग करते हैं। तो गाइस देख सकते हो 29 रन देकर के एक विकेट लिए, इनका बॉलिंग से चर्चा करते हैं। और हार्दिक पांड्या को ये होता है यार, कभी कभी इनसे पूरा ओवर बॉलिंग कराया जाता और कभी कभी इनसे 2 ओवर नहीं तो नहीं 1 ओवर बॉलिंग कराया जाता और कभी कभी इनसे 3 ओवर भी बॉलिंग कराया जाता है। तो हार्दिक पांड्या में एक बॉलिंग से थोड़ा सस्पेंशन रहेगा, लेकिन मुझे जो उम्मीद लग रहा है काफी ज्यादा संभावना है बांग्लादेश के खिलाफ पूरा 4 ओवर यहां पर से बॉलिंग करेंगे। तो गाइस देख सकते हो 29 रन देकर के यहां पर से एक विकेट लिए, फिर यहां पर से 9 रन देकर के 0 विकेट लिए और 30 रन देकर के जो 3 विकेट लिए। और बॉलिंग स्टाइल देख सकते हो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या आपके लिए काफी ज्यादा सेफ है, स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो हार्दिक पांड्या को। बाकी आप चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना तो बना सकते हो, स्मॉल लीग के लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा। और गाइस देख सकते हो आपको अक्षर पटेल नजर आता होगा, तो अक्षर पटेल यहां पर से करंट जो 2 मैच की चर्चा करते हैं। तो गाइस इनका जो देख सकते हो 2 रन मारे, फिर 6 रन मारे। तो गाइस यहां पर से भारत में हो सकता है तो ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि पिछले मैच में जो हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर्स में लाया गया था, तो इसमें चेंजेस आता है तो टेलीग्राम चैनल पर जो हुआ आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर से इनका बॉलिंग से जो चर्चा कर लेते हैं गाइस, इनका बॉलिंग से कैसा परफॉर्मेंस रहा था, 18 रन देकर के 2 विकेट, फिर 21 रन देकर के 0 विकेट लिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पर से अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चलूंगा। क्यों और किस रीजन से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह जो पिच होने वाला गुड फॉर पेस, यानी गाइस यहाँ पर से फास्टर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। तो मेरे टीम में यहाँ पर से एक ही रहेगा जो ऑलराउंडर सेक्शन में, मैं जो सेलेक्ट करूंगा हार्दिक पांड्या को सेलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर से हार्दिक पांड्या को सेलेक्ट कर लिया हूँ। बाकी इधर से चर्चा करते तो इधर से आपको 3 ऑलराउंडर्स के साथ जो हुआ बांग्लादेश उतरने वाला है। तो गाइस देख सकते हो आपको साकिब अल हसन नजर आता हो, तो साकिब अल हसन की करंट जो हुआ 3 मैच की चर्चा करते हैं। तो गाइस बल्ले से इनका जो रन रहा 23 फिर 1 फिर आपको 7 नजर आता हुआ, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 34 रन देकर के 0 विकेट, फिर 33 रन देकर के 2 विकेट लिए। उसके बाद आपको नजर आता होगा एम हसनैन। तो गाइस एम हसनैन को यहाँ पर से काफी ज्यादा कम उम्मीद बनता है खेलने को, हो सकता है तो यह टीम में रह भी सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर से इनको खिलाया भी नहीं जा सकता। और गाइस इसमें चेंजेस होने की काफी ज्यादा संभावना बनेगा, वह ऑलराउंडर सेक्शन से चेंजेस होगा, क्योंकि यह प्लेयर्स में एम हसनैन जो आपको दिखाई देता होगा इनके जगह पर हो सकता है तो बॉलिंग सेक्शन जो हुआ चार किया जा सकता है बांग्लादेश की तरफ से। तो बाकी जो चेंजेस आते रहता मैं आपको बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको देते रहूंगा। उसके बाद आपको जो नजर आता होगा ऑलराउंडर्स में एम हसन मिराज। तो गाइस एम हसन मिराज देख सकते हो 11 रन फिर 6 रन 5 रन और गाइस 32 रन देकर के 0 विकेट, 12 रन देकर के 0 विकेट लिए। तो मैं जो फिलहाल एक ही ऑलराउंडर सेलेक्ट करूंगा, वह ऑलराउंडर जो मेरा रहेगा साकिब अल हसन रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपने टीम में साकिब अल हसन को जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो मेरे टीम में जो हुआ साकिब अल हसन हो गया। बाकी हम इधर से चर्चा करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो मेरा जो बॉलिंग सेक्शन रहने वाला वह 4 बॉलिंग सेक्शन रहेगा। तो गाइस मैं किस किस बॉलिंग सेक्शन से सेलेक्ट करने वाला मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मोहम्मद शमी की करंट 3 मैच की चर्चा करते हैं, इनका बॉलिंग से जो हुआ कैसा परफॉर्मेंस रहा, 13 रन देकर के 1 विकेट, 27 रन देकर के 1 विकेट, फिर आपको 25 रन देकर के 1 विकेट लिए। उसके बाद गाइस इनका बॉलिंग स्टाइल जो हुआ राइट आर्म फास्ट है, यहां पर से जो हुआ बॉलिंग करते हुए भुवनेश्वर कुमार देख सकते हो बॉलिंग स्टाइल इनका, इनका जो है राइट आर्म मीडियम यहां पर से जो ये बॉलिंग करते हैं, 21 रन देकर के 0 विकेट, 19 रन देकर के 2 विकेट, फिर गाइस यहां पर से 22 रन देकर के 1 विकेट। तो यह प्लेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा सेफ है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडिक्शन है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपको
अर्शदीप सिंह नजर आता हो। तो गाइस यहां पर से कहीं ना कहीं कह सकते हो अर्शदीप सिंह काफी ज्यादा अच्छा खासा विकेट लिए, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो 25 रन देकर के 2 विकेट लिए। कोरियन 3 मैच की चर्चा करते हैं, फिर 37 रन देकर के 3 विकेट, 32 रन देकर के 2 विकेट। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट जो है इनका बॉलिंग स्टाइल है। उसके बाद नीचे में आते हैं आर अश्विन, यहाँ पर से रविंद्र चंद्रन आपको अश्विन नजर आएगा। तो गाइस देख सकते हो 43 रन देकर के 1 विकेट, फिर 21 रन देकर के 2 विकेट, 23 रन देकर के 0 विकेट। तो मैं सबसे पहले जो सेलेक्ट करने वाला हूँ मेरे टीम में जो रहेगा, मैं यहाँ पर से ट्राई करूंगा मोहम्मद शमी को और साथ में अर्शदीप सिंह के साथ जाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना जो टीम में सेलेक्ट करने वाला हूँ मोहम्मद शमी को सेलेक्ट कर दिया हूँ, फिर अर्शदीप सिंह को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया हूँ। मेरा जो यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन रहेगा, 2 बॉलिंग सेक्शन जो रहेगा वो भारत की तरफ से रहेगा, और 2 जो बॉलिंग सेक्शन करने वाला हूँ तो गाइस मेरा 2 जो बॉलिंग सेक्शन रहेगा वो बांग्लादेश के खिलाफ रहेगा। यदि बांग्लादेश के खिलाफ मैं 1 बॉलिंग सेक्शन करता हूँ तो हो सकता है तो बाकी जो टॉस होने के बाद मैं चेंजेस कर सकता हूं, तो ऑलराउंडर्स जो हुआ मैं ऑलराउंडर्स 3 कर सकता हूं। और गाइस हो सकता है बॉलिंग सेक्शन 1 कम करते हैं तो मैं यहां पर से जो बैटिंग लाइन जो हुआ 5 कर दूंगा, बैटिंग लाइन 5 करूंगा, तो 2 बैटिंग लाइन जो रहेगा वह बांग्लादेश की तरफ से रहेगा और 3 बैटिंग लाइन जो मैं करूंगा मैं आपको बता देता हूं केएल राहुल, विराट कोहली और साथ में सूर्य कुमार यादव के साथ जाने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मुझे जो लग रहा है यहां पर से मैं जो सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि गाइस इसमें मैं जो बॉलिंग सेक्शन 4 ही लेकर के चलूंगा, चेंजेस आने के बाद कौन टॉस जीता कौन बैटिंग सबसे पहले करेगा उसके हिसाब से मैं टीम को जो हुआ चेंज कर सकता हूं टॉस होने के बाद। उसके बाद देख सकते हो आपको टी अहमद नजर आता होगा। तो गाइज इनका बॉलिंग स्टाइल जो है वह राइट आर्म फास्ट ये बॉलिंग करते हैं। कोरियन 3 मैच की चर्चा करते हैं, तो गाइज 19 रन देकर के 3 विकेट, 46 रन देकर के 1 विकेट, 25 रन देकर के 4 विकेट लिए हैं। तो गाइज टी अहमद आपके लिए काफी ज्यादा सेफ है, यह प्लेयर्स को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइज आप इसे चाहते हो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना तो बना सकते हो, काफी ज्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद आपको मुस्तफिजी रहमान नजर आता होगा। तो गाइज आपको देख सकते हो एम रहमान 15 रन देकर के 2 विकेट, 25 रन देकर के 0 विकेट, फिर 25 रन देकर के 0 विकेट। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट इनका जो हुआ बॉलिंग स्टाइल है। फिर यहां पर से देख सकते हो एच अहमद नजर आता होगा, सॉरी दोस्तों यहां पर से एच महमूद आपको नजर आता होगा। तो 29 रन देकर के 0 विकेट, फिर यहां पर से 30 रन देकर के 0 विकेट, 32 रन देकर के 0 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट जो हुआ बॉलिंग करने वाला है। तो मेरा जो बॉलिंग जो रहने वाला हुआ टी अहमद, साथ में यहां पर से एम रहमान यानी मुस्तफिजी रहमान को सेलेक्ट करने वाला। तो मेरे टीम में टी अहमद हो गया, बाकी गाइस आप इसे स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा। यदि आप स्मॉल लीग में लगाना चाहते हो, बॉलिंग सेक्शन 3 करना चाहते हो, तो भारत की तरफ से आप बॉलिंग सेक्शन 3 जा सकते हो और 1 बॉलिंग सेक्शन जो हुआ आप बांग्लादेश के खिलाफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टी अहमद हो गया, उसके बाद मैं जो सेलेक्ट करूंगा मुस्तफिजी रहमान को जो हुआ सेलेक्ट कर जाओ। तो बाकी गाइस मैं एक बार प्लेइंग 11 टीम मैं जो अभी फिलहाल सेलेक्ट किया हूं किस प्रकार से सेलेक्ट किया हूं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर से देख सकते हो लिटन दास, केएल राहुल और गाइस यहां पर से मैं जो सबसे पहले आपको बताया सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से किसी एक प्लेयर्स को मैं रख सकता हूं वह टॉस होने के बाद। और गाइस यहां पर से आप देख सकते हो ए हसनैन नजर आता होगा, फिर यहाँ पर से मैं जो सेलेक्ट किया हूँ एन हुसैन संतों को, हसनैन संतों को सेलेक्ट किया हूँ। ऑलराउंडर्स में मैं हार्दिक पांड्या, साकिब अल हसन, उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हो मोहम्मद शमी, उसके बाद अर्शदीप सिंह को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, और गाइस यहाँ पर से टी अहमद, उसके बाद और यहाँ पर से मैं जो सेलेक्ट किया हूँ एम रहमान को सेलेक्ट किया हूँ। बाकी हम इसमें चर्चा करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो मेरा जो कैप्टन रहने वाला मैं केएल राहुल के साथ सी जा रहा हूँ, और वही बीसी की चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा जो बीसी रहेगा वह बीसी में हार्दिक पांड्या के साथ मैं बीसी जाऊँगा। तो गाइस इस प्रकार से मेरा प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका है। बाकी जो फाइनल अपडेट रहेगा, फाइनल टीम मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाकर के ज्वाइन हो जाना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।